मना कर दूं मतलब क्या मतलब जबरदस्ती के साथ ही बामी तुम लोग दोनों के लिए सरप्राइज दे हाँ मेरी तरफ से फर्स्ट टाइम कुछ दे रही हूँ और वैसे मेरी बराबर हाँ बोली ना तुम्हारी थी ना मम्मी के साथ हाँ तो मुझे आइजल को माशाल्लाह से गिफ्ट मिल चुका है। Assalamualaikum everyone, कैसा आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से हो गए। तो आज हो गई है नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे नहीं हुई, रात हुई है। तो मैंने आज सुबह से कुछ वीडियो शूट नहीं करी थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, क्योंकि शॉपिंग करना जाना था। मेरे तीनों बच्चों के लिए शॉपिंग करनी थी और मेरे खुद के लिए भी करनी थी शॉपिंग। तो अभी देखते हैं, शॉपिंग नहीं करने जा रहे, बाजार जाके देखेंगे, मिलेगा तो थमा लेके शॉपिंग करने नहीं जा रहे, देखते हैं मिलेगा तो। अच्छा, तो शॉपिंग करने हम लोग नहीं, शॉपिंग करने मतलब जैसे बाजार घूमते हैं, देखते हैं, अगर कुछ पसंद आएगा तो ले लेंगे। तो मेरे बच्चों के लिए भी लेना है, मेरे लिए भी लेना है, तो क्या अच्छा लगता है वो देखते हैं। और अगर गर्दी ज़्यादा नहीं हुई तो मैं वीडियो शूट करूंगी, और गर्दी रही तो मैं एज इट इज़ थोड़ी सी पब्लिक आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं खुद ही घर पर आके बता दूंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं, है ना मम्मी? सही है ना? हाँ। तो अब्बा हम लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग को इधर ही रखी हसन अरकान इब्राहिम, तीनों का ध्यान रखना, ठीक है? बच्चे को अंदर घुसा दे, बाहर से कड़ी मार दे। वाह मम्मी, पहले तुम बच्चे लोग को बंद करके जाते थे, अभी अब्बा बोलते मेरे को बच्चों को बंद करके जा, सबको बंद करके जाओ और बाहर चले जाओ। सो गाइस, बच्चे लोग अभी डैडी के पास रहेंगे, अभी ये लोग यहाँ से ही चालू हो गए, अभी डैडी के पास बच्चे लोग रहेंगे और अभी हम लोग जाते हैं, फिर मिलते हैं बाद में, है ना मम्मी? गाड़ी चलाओ। तू बैठ गया इधर, हाँ बैठ, उसका चक्कर आ रही है। अरे चलो ना मम्मी, यार मम्मी तो यहाँ पे शॉपिंग करने का है, चलो ना मम्मी। मना कर तू मत लेके, मत जबरदस्ती के साथ यार, मैं गुस्सा में आता हूं, चलो नहीं चल पाती मैं ना। ये बाप सारा बन से रहे हैं क्या कर रहे हो अभी तुम? क्या हो गया तुमको अचानक से? बहुत चक्कर है, चक्कर क्या? भीड़ देख के थक गए? थक भी गए तभी मैं जाने, मैं मना करती हूं जोर से लेके आती हूं। और क्या करें, अभी रमजान ईद में शॉपिंग तो थोड़ी करनी पड़ती है ना। तुम करते रहो ना, मैं होकर घुसा दे। हां आओ बच्चा, चलो अभी घर पे जाने के लिए थोड़ा सा बाकी और शॉपिंग। मम्मी रास्ते में आते हैं, ये थैला मम्मी ने शॉपिंग कर चुके हैं, मम्मी यहाँ पे जूस पी, चलो फटाफट चल दिया। गाइस हम लोग अभी शॉपिंग करके आ चुके हैं, और शॉपिंग में क्या क्या लाई हूँ मैं आप लोग को बताती हूँ, बहुत अच्छी थी, मैं तो थक गई भाई साहब, मैं तो थक गई। तो अभी शॉपिंग में क्या क्या लाई हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं बहुत सो जाती हूँ बाद में। बच्चे लोग बोलते हैं कि मम्मी सो बाद में, पहले हम लोग के लिए क्या लाए वो बताओ, क्योंकि बच्चे लोग ज्यादा एक्साइटमेंट होते हैं। और इतनी गर्दी थी वहाँ पर कि मेरी पूरी पर्स टूट गई थी, सब अलग अलग पैसे ना निकले, मैं इसके लिए अच्छा रोशन मैंने बोल दिया तो पता चला अलग अलग हो गया, इतनी गर्दी थी इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही शूट की थी। ये देख लो गाइस, सबसे पहले ये है वो भी लेट फिर तो थोड़ी साइज ही लाने का। ओ मेरा कपड़ा लाए कि नहीं लाए? मेरा नहीं लाए। क्यों? अरे बाप के दिखा मेरे को, ठीक है पहले। सो गाइस ये बहन की जींस लाई हुई है, मेरे के चप्पल चप्पल नवे नवे रेगुलर वेस्ट पहनने के लिए लाई हूं, अभी वेस्ट के ऊपर के लिए बात करते हैं। ये अरकान की जींस है और ये शर्ट है, अरकान का शर्ट दिखाओ, ये होगा इसी अरकान का पूरा शर्ट है, रोशमी की पसंद है ये पूरी। अच्छा नहीं, और ये जींस है पूरा सूट है इसका, ये जींस एक्स्ट्रा ली हूं मैंने। क्यों? तीन थी ना, ये दो जींस एक्स्ट्रा है उसके अलग टी-शर्ट या शर्ट के ऊपर पहनने। अच्छा मेरा किधर है कपड़े? तेरे नहीं लाइक, क्या करूं मेरी की जो थोड़ा पड़ती पब्लिक गर्दी बहुत थी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाल काटने, क्या मालूम आज चांदा है या नहीं है, है ना मम्मी? हाँ चांदा तो पता नहीं। तो इसका भी आज लास्ट पेपर हो गया, तो अभी मैं बोली बाल कटा दो, फिर आपको बहुत रश रहती है ना, तो अभी तुम लोग को लेके जाके हसन को डायरेक्ट बाहर बुला दूंगी, तीनों मिलकर बाल कट करते हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग बाकी होगी देख लेते हैं। शॉपिंग तो पूरी हो ही नहीं रही, एक चीज़ पूरी रहे एक तो वो है, तो
गाइस आपके लिए गाइस हम लोग गाइस एक सस्पेंस रखी कि हम लोग क्या शॉपिंग करें। हाँ मम्मी शॉपिंग नॉर्मल करे तो कपड़े की, पर ऐसा है कि फर्स्ट टाइम कर रही हूं मैं। हैंडसम बाल कट करते हैं, हैंडसम बाल कट करते हैं, हैंडसम इंसान होते हैं, बाल नहीं कटते। तो अभी शॉपिंग तो नॉर्मल ही होती है जो सब करते हैं रेगुलर बेसिस पे, पर ये मेरे लिए इसके लिए न्यू है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यानी मैं शॉपिंग करी मेरे बच्चों के लिए, मेरे खुद के लिए इतने सालों के बाद। शादी के बाद भी मैं शॉपिंग करने नहीं जाती थी, तो अभी जस्ट गई हूँ। तो अभी बताती हूँ। और लास्ट एग्जाम है हमें, पेपर हो चुका है, फाइनल। छुट्टी अभी तो छुट्टी इसकी। बाल कट कर लेते फिर तो बड़ी उत्सुक में जाऊंगा। तो फिर गाइस मेरा बाल वाल सब कुछ कट चुका है, देखो आप मेरा लुक देख सकते हो। देखो गाइस अभी आपको मेरा लुक दिखा दो, आप कमेंट में बताओ अच्छा लगा कि नहीं। मैं तो फिर हम लोग अभी हम लोग ईद के पठानी उठानी सब अभी फिर गाइस अभी हस्बैंड भाई भी बैठ चुका है बाल काटने, पूरा बाल कट रहा इसका। और गाइस अभी हम लोग मिलते आपसे बाद में। सो गाइस अभी देखो टाइम बस चालू है वो पूरा, और मैं एक नंबर लिख रहा यार, ये ईद में पहनो और क्या एक नंबर लिख रहा, एक नंबर मैंने बाल काट चुका, मतलब बहुत अच्छा काटा मैंने बाल। और भी ब्रैंड का भी कटवा दो, फिर उसके बाद अरकान का भी कट चुका है बाल, तो फिर अभी वो आएगा, फिर उसके बाद अभी जाएगी घर पे, फिर मिलता आपसे आगे। गाइस हम लोग का रहे ये पूरा गाइस हो चुका है हम लोग का बाल कटिंग, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे, फिर मिलते आपसे बाद में। गाइस अभी रोशन नहीं और गुना ना लोग सबका दिल छन लेते। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, लो कैसा कटा है बोलो। मामा देखो कैसा कटा है, अच्छा लग रहा है मामी। सो गाइज यहाँ पे अभी सब बैठे हैं, दानिश नौशीन मम्मी और अब्बा, तो क्यों ना उनका जो सरप्राइज है वो उनको दे दिया जाए। एंजल तो सबसे बड़ी है ना एंजू पापा, तो अभी उनका सरप्राइज दे देते हैं, तो मेरे तरफ से उनको दे रही हूँ। बामी तुम लोग दोनों के लिए सरप्राइज दे। हाँ मेरे तरफ से फर्स्ट टाइम कुछ दे रही हूँ, और वैसे ही मैंने बच्चों के लिए तो फर्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग की हूँ। रो दीजिए उसने। हाँ शॉपिंग में आए तो कभी पेरी गए थे 16 साल के बाद, तो चलो इतने शादी के बाद भी यानी कुछ भी लेने का था ना, तो मम्मी को कभी बोल देती थी फोन करके मम्मी मुझे ये चाहिए, तो मम्मी ना वहाँ से यहाँ से भेज देते थे मेरे को वहाँ पर। शादी के बाद भी मैं शॉपिंग करने बच्चों के लिए भी शॉपिंग करने नहीं गई थी कि मेरे लिए भी नहीं गई थी, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं बच्चों के लिए भी शॉपिंग करी, मेरे लिए भी शॉपिंग करी, और प्लस मैंने इन लोग के लिए फर्स्ट टाइम मम्मी डैडी के लिए कुछ ली थी ईदी के तौर पे, है ना जो आई थी मेरी बराबर। हाँ बोले तो आई थी ना वो कोई के साथ। हाँ तो मुझे आइजल को माशाल्लाह से गिफ्ट मिल चुका है मम्मी डैडी की तरफ से, थी मिला है ना पापा को, कहाँ मिलाई थी फर्स्ट टाइम मम्मी डैडी का। हाँ क्या बताओ, हाथ बताओ वाला, ये वाला हाथ पे थोड़ी ना पहने, वो हाथ पे पहने बताओ। हाँ देखो ये वामा है, वावा पहनी है। हाँ ठीक है देखो बाद में, देखो बाद में ठीक है बाद में सही बात है। क्या बोल रहे वापस बोल, ये शर्ट नहीं अब्बा के लिए, कैसा खराब कर दिया, खराब नहीं है खोला ऐसा करके ला झटक के, ये मेरे को आ जाएगा, आएगा अंकल को मैं ले लूंगा अब्बा, तू ले लेना मेरा है ना, हम साथ ये शर्ट अब्बा को दी थी मैं, और ये क्या अब्बा, ये अब्बा को पहन के एकदम मस्त, और ये अब्बा की सबसे फेवरेट चीज जो आपके पास है लुंगी डांस। मैं पोजीशन चेंज कर रही हूँ क्योंकि दानिश बहुत बोल रहा है। अगर अभी जेब वाला कोई नहीं पहना, जेब वाला ये सब पुराने आदमियों का यही है, जेब चाहिए रहता है सब उनको, तो आगे है
वो सब रखने के लिए पैंट में रहती है लुंगी डांस, लुंगी डांस कर रही है। क्या हो रहा है तुमको? फूफी का ब्लॉग बनाने का नहीं है क्या? हाँ आंटी तुम ये पहनना, अंकल तुम व्हाइट पठानी पहन लेना। हाँ हम लोग भी व्हाइट है। हाँ अंकल व्हाइट पहन लेना, अच्छा लगेगा ईद के दिन। माफ करके देख लेना, चेंज कर बोल रही हूँ। सही बात है, साइज आते हैं। जाने दुकान में बोल देंगे भाई, उसका ओवी भी सो आपको बदल कर चेंज। चप्पल नहीं क्या पापा, ये चप्पल से घूमे मैच होगा इस पे। हां आपको बुढ़ा में जवान बनाएंगे, बोल देना मैं जवान हूं, सब जवान बना लेंगे। अच्छा लगा, चप्पल और भी कुछ चीज मोबाइल रखने के लिए स्टडी में चप्पल आई पाकिट है, मेरा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा लूंगी है ना? हाँ एक्स्ट्रा लूंगी है। लड़कों के लिए क्या लाने का, लड़कियों के लिए वेराइटी है अंकल। बेल्ट ना, हाँ बेल्ट बेल्ट अच्छा है ना, छोटी पैकेट अच्छा है। हाँ ये चिल्लर विल्लर रखने का काम आ रहा है। मम्मी ने बताया कि नहीं मोबाइल मोबाइल रखने का, मोबाइल रखा ना तो हमारे पार्टी से नहीं तुम्हारी पार्टी मैं लाई थी। बहुत बहुत मुबारक है। देख 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 ये बाकी ज्यादा अच्छा है। वाओ ये बाकी ज्यादा अच्छा है। हां अच्छी ब्लैक कलर। थैंक यू, अच्छा लगा। थैंक यू। अच्छा मिनी पैकेट दे दे। कोई तो बोली नहीं मिनी पैकेट। मैंने बोला पैसे इसमें छुट्टे पैसा रखने का, इसमें नोट रखने का। नहीं कल पसंद आ गया तो ले लेना। और ये पैकेट तो हमें दे देना, हमेशा नोट इन पैकेट में वो दे देना। नहीं नोट वाली पैकेट में को दे दे। क्या सकते हैं सर, लगा सकते हैं। हां ऐसा लगा देना। नहीं मेरे बराबर बुढ़ी हो गई बच्चे उतर ना सही बात है, वहाँ से तरक्की करने लगे। वहाँ रहते तो अभी तक क्या पता क्या ही हो जाता है। सही बात है, अच्छा क्या सही डिसीजन ले लिया तुमने। अच्छा देते हैं फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस थोड़ा हुआ है मेरे को कि अरे हाँ कैसा। अभी ऐसा लग रहा है तुम खुद की जिंदगी अभी जी रहे हो, खुद के लिए बच्चों के लिए। अभी अल्लाह अगर वो होने हो तो अपने पहले पहले सही बात है, माँ बाप ने अच्छा माशाल्लाह सब अच्छा है। और दूसरा तो सरप्राइज बाकी है। अब क्या है वो बात इनके लिए यही में
मेरी शोमा के लिए अलग सरप्राइज है, मेरी शोमा को बाद में दूंगी ना मम्मा। खुद सरप्राइज रोज रोज देती है। सो गाइस अभी फिलहाल के लिए हम लोग यही व्लॉग एंड कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ गाइस, ये हम लोग तीनों भाइयों से किसके पास सबसे अच्छे लग रहे हैं वो कमेंट करके बताना।